हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड वुमेन टीम 2024 T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है और हमेशा की जैसा आप एक ही टीम के लिए बहुत बुरा फील करते हैं, वो है साउथ अफ्रीका। मैं इस टीम का न्यूजीलैंड को भी हम बहुत बुरा फील करते हैं जब वो ऐसे ऐसे स्टेज में आकर के फाइनल्स में, जब इंडिया नहीं रहता है दूसरे टीम रहते हैं। तो ये दोनों टीम के लिए जो इतने हमारे फेवरेट हैं हम इंडियंस के लिए, कि अगर इंडिया टीम फाइनल नहीं पहुँचता है तो ये दोनों टीम में से हम किसी एक टीम को चाहेंगे कि जीते। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम मेंस अभी तक सबसे बड़ा चोकर रहा था, लेकिन साथ में इनका साथ देने के लिए साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम भी बिगेस्ट चोकर बन गए हैं और ये पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है। सो दोस्तों, कल जो मैच चल रहा था, कल था फाइनल न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन टीम का T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल। तो उसमें न्यूजीलैंड टीम ने अपने फर्स्ट बैटिंग किया, उन्होंने 158 पाँच विकेट खोकर के 20 ओवर में बनाया। जब साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम बैटिंग करने आए तो इनका भी वैसे ही लड़खड़ाने लगा विकेट, जैसे याद कीजिए अभी हाल फिलहाल में हमने जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। तो वो तो खैर इंडिया टीम उसमें था तो ऑब्वियसली इंडिया टीम को ही जीतना था वहाँ पे, लेकिन ये साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे जीतने के लिए और उन्होंने मात्र 126 रन 9 विकेट खो करके ख़त्म, मीनिंग ओवर हो गया और न्यूजीलैंड 32 रन से ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। याद कीजिए 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड टीम वही टीम था जिसके लिए हम लोग बहुत बुरा फील किए थे, जब इंग्लैंड को अपना ICC अपना खुद का नया रूल निकाल करके न्यूजीलैंड को हार घोषित करवा दिया था, जबकि दो दो बार सुपर ओवर उस वाले मैच में गया था। आपको अगर याद नहीं तो रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं, लेकिन ICC ने उसी टाइम एक नया रूल क्रिएट कर दिया कि सबसे ज़्यादा जिसके फोर्स लगे हैं वो टीम को जीत, क्योंकि रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। तो हमने बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड के लिए बुरा फील किया था, सबसे ज़्यादा केन विलियमसन के लिए हम लोग फील लगा था, क्योंकि वो बंदा ये नया रूल जब आया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइफ में अगर आपको कहीं डिमोटिवेट रहते हैं तो केन विलियमसन को एक बार देखिए। मैं एक बार इन पर एक रिसर्च करके एक वीडियो भी बनाऊंगा, सोच के रखा हूँ, क्योंकि ये बंदा जो है ना, ये कितना भी डिफिकल्ट टाइम में रहे ना, उस टाइम मुझे याद है जब ये नया रूल निकला और न्यूजीलैंड को हार दे दिया गया था और इंग्लैंड जीत गया था, वो बस ऐसे बंदा, मैं फोटो भी यहाँ लगा देता हूँ, वो बस ऐसे स्माइल देख करके वो मैच, सोचिए इतना बड़ा ट्रॉफी जो है वर्ल्ड का टूर्नामेंट हो रहा है उसमें ऐसे स्माइल लेकर के इग्नोर कर दिया। सोचिए कितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है ये लोग प्लेयर्स लोग। खैर देखिए, ये गेम है, गेम में आप जो अच्छा खेलेगा उसको चांस मिलेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम को क्यों चोकर बोला जाता है, क्योंकि इनका एक इतिहास रहा है। आप उठा करके देख लीजिए 2023 वर्ल्ड कप में भी, ज़्यादा दूर नहीं जाना, आप 2023 वर्ल्ड कप उठा करके देख लीजिए कैसे इन्होंने वहाँ पे हार गया था सेमीफाइनल के टाइम पे। तो उसी तरह से आपका, हमने उम्मीद लगा के रखा था कि सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे ये लोग, अच्छा खासा चल भी रहा था वो मैच, हारते हारते मतलब जीत गया ऑस्ट्रेलिया लास्ट में, हमारे साथ फाइनल हुआ। अगर साउथ अफ्रीका आया रहता तो आप भी जानते हैं रिजल्ट क्या रहता, आपको भी पता है T20 वर्ल्ड कप का तो रिजल्ट आपको पता ही है, हमारे पास ODI का भी एक ट्रॉफी हमारे हाथ में आ जाता अगर साउथ अफ्रीका जाता, क्योंकि साउथ अफ्रीका को चोकर टीम कहा जाता है। बट हालांकि इनके प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। कल जैसे मैंने वीडियो देखा कि जैसे कि मुझे उस टाइम 2023 का भी और 2000 उसके पहले का भी जो वर्ल्ड कप था ODI का, कैसे रो रहे थे प्लेयर्स, सभी भी प्लेयर्स जब थे, उसी तरह कल T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स वाला में भी जब ये लोग हार गए तो पूरा प्लेयर्स रो रहे थे, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, एक इमोशंस है, सब क्रिकेटर इतना मेहनत करते हैं, दिल से जुड़ा रहता है, तो इसीलिए सबको बहुत बुरा लगता है। बट हम चलिए, ये रिप्लेसमेंट होते रहना चाहिए, अब एक ही टीम बार बार डोमिनेट करके सबको हराते रहता है ऑस्ट्रेलिया, ऐसे थोड़े चलता है। सब टीम अपना अपना वहाँ पे योगदान देते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया टीम के अलावा कोई दूसरा टीम दिखता ही नहीं था, डोमिनेट करते जा रहे थे। रिकी पॉन्टिंग गिलक्रिस्ट हेडन के टाइम के बाद बता रहा है। बट बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन न्यूजीलैंड टीम को और वुमेन्स टीम को। मैंस टीम का तो अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, बट आई होप कि वो भी अच्छा कर रहे हैं और उनको भी हम देखें ऐसे वर्ल्ड कप उठाते हुए, बट जब इंडिया बाहर रहे तब, ऐसे नहीं कि ये नहीं कि फाइन, हमें तो वैसे 2019 का सेमीफाइनल हमेशा याद रहेगा, न्यूजीलैंड ने किस तरह से हमें दर्द दिया 2019 में, धोनी का लास्ट वो मैच भी रहा था और फिर वो रनआउट सबको याद रहेगा। तो न्यूजीलैंड उस टाइम के लिए हमारे लिए थोड़ा ख़राब लगा था, क्योंकि हम लोग धोनी का फेयरवेल अच्छा नहीं हो पाया तो इसलिए बुरा फील किए थे। बट एनी हाउ, ये न्यूजीलैंड टीम, साउथ अफ्रीका टीम, ये जो टीम्स हैं ना बहुत मेहनत करते हैं और पता नहीं ये लोग चोकर्स का टैग लेकर के क्यों रखे हुए हैं। अब क्रिकेट 2025 जो है चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हैं मेंस टीम क्या करते हैं इनका, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी कौन सा टीम जीतेगा। ठीक है, चोकर्स टीम सबके लिए जो साउथ अफ्रीका बन चुका है उसके लिए एक ही गाना गाना चाहेंगे हम,
खड़ा हूँ आज भी वहीं, ये दिल क्यों बेकरार है। बहुत बुरा गाता हूँ। वीडियो को अब यहीं पे पॉज कर दीजिए और मैं भी जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।